YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मुझे सेवक से बढ़कर के कोई प्यारा नहीं होगा। कहते हैं कि मेरे सेवक के प्रति अगर कोई कुछ गलत कदम उठा दे तो औरों की कौन कहे। मैं अपनी भुजा को भी काट कर फेंकने को तैयार हूं। मेरी भुजा भी किसी दास के ऊपर, किसी सेवक के ऊपर अगर कठोरता बरतने के लिए तैयार हो जाए तो मैं अपनी भुजा को भी काट कर फेंकने को तैयार हूं, लेकिन अपने दास का अपमान कभी नहीं सह सकता। लक्ष्मी प्राणाधिका शश्वत, लक्ष्मी जी प्राण से भी अधिक प्यारी हैं, बराबर हमेशा नास्ते कापि ततोधिका, उनसे अधिक कोई और प्रिय नहीं हो सकता है। किंतु वो लक्ष्मी भी भक्तान द्वेष्टि स्वयं साचेत, वो लक्ष्मी भी अगर किसी भक्त से द्रोह कर बैठे तो कहते हैं कि तोरणम त्यजति ताम विभु, शीघ्र उस लक्ष्मी का भी परित्याग करने को प्रभु तैयार बैठे। लक्ष्मी का परित्याग कर सकता हूं, अपनी भुजा का परित्याग कर सकता हूं, लेकिन अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकता, अपने दास का अपमान नहीं सह सकता। उस सबसे इस सृष्टि में भगवान की दृष्टि में दास पद सबसे ऊंचा पद है, और उस दास पद की शपथ खा करके दास पद को दांव पर लगा दिया नारद बाबा ने। तदा नाहम हरेर दासो यदि लोके त्वाम न प्रवर्तये। हे भक्ति महारानी, अगर मैंने घर घर में और व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में आपकी प्रतिष्ठा नहीं कर दी तो मैं हरि का दास नहीं। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी शपथ खाए हैं, क्या नारद जी का वाक्य पूरा हुआ? हाँ पूरा हुआ, हुआ और अब तक हो रहा है, हुआ और अब तक हो रहा है। कब हुआ? नारद जी ने प्रयत्न करते करते सनकादिक कुमारों को पाया है। अब नारद जी ने क्या क्या प्रयत्न किया भक्ति महारानी को आश्वासन देने के बाद, क्या क्या प्रयत्न किया इसका वर्णन अब आगे। नारद जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं घर घर में भक्ति की प्रतिष्ठा करूंगा, और लगे हाथ कह रहे हैं कि हे भक्ति महारानी, त्वदन्विता च ये जीवा, त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह, पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। हे भक्ति महारानी, आपका जो अनुसरण करेंगे, मैंने जो भक्ति का अनुसरण करेंगे, जो भक्ति करने वाले होंगे, कथा कीर्तन भजन पूजन पाठ भगवत ध्यान किसी का आदर करने वाले होंगे, किसी का अनादर न करें, ये सब भक्तों के लक्षण हैं। तो नारद बाबा कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आपका जो आदर करने वाले होंगे वो पहले चाहे कितने पापपूर्ण जीवन वाले रहे हो, लेकिन जो भक्ति के दरबार में आ गए, जो भक्ति के लपेट में आ गए, वो निर्भय होकर के भगवान के धाम को जाएंगे। पापिनो भी कभी गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम, येषां चित्ते वसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी, नते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने प्यमल मूर्तयः। जिनके हृदय में प्रेम स्वरूपिणी भक्ति हमेशा निवास करती है, वे लोग सपने में भी जमराज के दूतों को नहीं देखते। जमराज के दूतों की कौन कहे, यमराज भी उसके पास नहीं आ सकते हैं। अरे जब पाप करेगा नहीं तो यमराज आएंगे क्यों उसके पास? भक्त लोग पाप पुण्य दोनों से किनारे रहते हैं, ये लोग तो भगवान की भक्ति करते हैं, तो इनके यहाँ जागृत की कौन कहे, सपने में भी यमराज और जमराज के दूत नहीं आ सकते हैं। किनके यहाँ? जिनके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान रहती है। ये शाम चित्ते वसेत भक्ति ही सर्वदा प्रेम रूपिणी,
न ते पश्यन्ति कि नाशम स्वप्ने प्यमल मूर्तयः। न तो सपने में कभी यमराज का दर्शन होगा, न नरक का दर्शन होगा, नरक में नहीं जाएंगे। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। भक्ति युक्त हृदय वाले व्यक्ति को प्रेत पिशाच भूत राक्षस कोई भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकते, नहीं छू सकते। श्री हरे नमः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। उन्हें स्पर्श करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी इनको, भूत प्रेत राक्षस वगैरह को। न तपोभिर् न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर् साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। कहते हैं कि आप तप के द्वारा रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कर्मकांड के द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? बोले भगवान की प्राप्ति तो केवल भक्ति के द्वारा होती है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भी भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने जिस तरह से मुझे देखा है, इस प्रकार से और लोग नहीं देख पाते। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परमतपः। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं ज्ञातुं माने जाना जाता हूँ, द्रष्टुं देखा जाता हूँ, और तत्वेन प्रवेष्टुं तत्वतः मुझ में प्रवेश भक्ति के ही द्वारा होता है। नृणाम जन्म सहस्रेण हरो भक्ति ही जायते। एक जन्म में भक्ति नहीं होती है किसी को, जन्म जन्मांतर साधना करते करते तब भक्ति। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्त भक्तो प्रीति ही जायते। हजारों जन्म तक धर्म पुण्य करते रहे करते रहे तब भक्ति के प्रति आदर और श्रद्धा प्रीति का भाव उत्पन्न होता है। कलौ भक्ति ही कलौ भक्ति ही भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। कलयुग में भक्ति ही की प्रधानता रहेगी, ये नारद बाबा ने उद्घोष किया। श्री हरे नमः। भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं, इसके लिए कोई उदाहरण तो कहते हैं, प्रमाणम तत्र गोपिका, ब्रज की गोपियां केवल भक्ति करके, तन मनस्कास तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिका। गोपियां पानी भी भरने जा रही हैं, दूध भी बेचने जा रही हैं, तो पैसा कमाने के लिए नहीं, किस लिए? हरि सखी तह जाइए जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, भगवान के लिए जा रही हैं। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। गीत भी गाती है तो भगवान का। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। एक दिन के बाद, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया कन्हैया को देखे बिना, तो कहती है कि चलो सखी देखियाई नंद जी के लाल के चलो सखी देखियाई जसोदा जी के लाल के चलो सखी देखियाई जसोदा जी के लाल के। एक ने प्रस्ताव किया चलो नंद के लाला को देखे आवे, तब तक दूसरी बोली कि का देखने जाओगी, नंद जी के लाल बड़ा अनठी उत्पाती बाहुन। नंद जी के लाल बड़ा अनठी उत्पाती बाहुन। नंद जी के लाल तो बड़ा अनठी हवन उत्पाती हवन। आई हमें लिखी कह नगरी भर में चर्चा जे ही भेटा जाए ओकरे से अझरा जी है।
नंद जी के लाल बड़ा अनटी उत्पाती बालन, नंद जी के लाल बड़ा अनटी उत्पाती बालन, नगरी भर में चर्चा ए अजुरा ही चलन चाल के चलो हाँ, नगरी भर में चर्चाए उजरा चलन चाल के चल हो सखी ने कियाई, नंद जी के लाल के हो सखी दे कियाई, नंद जी के लाल के चल हो सखी दे कियाई। कबो गगरी फोड़ देलन तो कबो दही दूध लूट लेलन, तब तोरा से सहा जाता हत सहलो न जाला बाकी रहलो न जाला तनिको, सहलो न जाला बाकी रहलो न जाला तनिको। जब गगरी फोरेलन तो सहलो मुश्किल हो जाला, लेकिन दो दिन देर हो जाला दर्शन कैला भी ना तो रहलो न निखे जात, सहलो न जाला लेकिन रहलो न जाला तनिको, सहलो न जाला लेकिन रहलो न जाला तनिको, मनवा तो बियाला बाकी रहलो न जाला तनिको, मनवा तो बियाला बाकी रहलो न जाला तनिको। अरे केकरा से कहीं अपना हियरा का हाल के चल, हाँ के जेठारा से कहीं अपना हियरा के हाल के चल सखी ने कियाई, यशोदा के लाल के चल हो सखी ने कियाई, यशोदा के लाल के चल हो सखी ने कियाई। सांवर सलोना अंग में गतर गतर टोना बाटे, सावर सलोना अंग में गतर गतर टोना बाटे, सावर सलोना अंग अंग गतर गतर टोना बाटे, सावर सलोना अंग अंग गतर गतर टोना बाटे। नस नस में बसल बाटे, नस नस में बसल बाटे झांकी कमाल के, हाँ नस नस में बसल बाटे झांकी कमाल के, चल हो सखी दे कियाई, नंद जी के लाल के चल हो सखी दे कियाई, नंद जी के लाल के चल हो सखी दे कियाई। ये मन करे जब सोझा आ जालन तो ये मन करे इनके हरदम निहरते रही, ये मन करे इनके हरदम निहरते रही, ये मन करे इनके टुकुर टुकुर तकते रही, ये मन करे इनके टुकुर टुकुर तकते रही, दुनिया भर के चिंता फिकिर, दुनिया भर के चिंता फिकिर लाज शर्म टाल के, हाँ दुनिया भर के चिंता फिकिर लाज शर्म टाल के, चलो सखी दे कियाई, यशोदा के लाल के चलो सखी दे कियाई, यशोदा के लाल के चलो सखी दे कियाई। घरियो पहर भर कतहु बोलती बतियती किछु, घरियो पहर भर बोलती बतियती किछु, घरियो पहर भर कबहु बोलती बतियती किछु, घरियो पहर भर कबहु बोलती बतियती किछु, और जियरा जुड़ैती ही में, जियरा जुड़ैती ही में, और
पुत्र इन में पाल के हाँ जे राजू रही थी में पुत्र इन में पाल के चलो सगी देख आई यशोदा के लाल के चलो सगी देख आई यशोदा के लाल के चलो सगी देख आई। दूध दही बेचने का बहाना लेकर के जाएंगे और कन्हैया का दर्शन करके हमें उनके दर्शन के बिना रहा नहीं जाता है। कहा कि कहीं यशोदा जी सोझा पड़ गई ली तब पूछ देरी कैसे अलू हलो यशोदा जी सामने आ गई और पूछ बैठी कि कैसे आई हो अभी तब तो कहा कि तो रुख बदल दे जाई का रुख बदल वो अत इरही बिरही ताना देके ओरहन के बहाना लेके इरही ताना देके ओरहन के बहाना लेके इरही बिरही ताना देके ओरहन के बहाना लेके इरही बिरही ताना देके ओरहन के बहाना लेके अरे दिल के गुबार सब दिल के गुबार सब धरती निकाल के चलो हाँ दिल के गुबार सब धरती निकाल के चलो सगी देख आई यशोदा के लाल के चलो सगी देख आई यशोदा के लाल के चलो सगी देख आई। प्रोग्राम बनावत तारी सखी लोग लक्ष्य उनका दर्शन और संजोग से जहां ये लोग सलाह कर रही हैं वहीं जैसे हमारे पीछे भोले बाबा दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे वहीं झाड़ी में वो पेड़ के ओटक में कन्हैया जी छिप रहे हैं सब सुन रहे हैं। तो जब ये लोग का प्रोग्राम बन गया तब बाहर आ गए सामने और सामने आके क्या कहते हैं कहले नारायण प्रभु जी सुनो बरसाना वारी कहले नारायण प्रभु जी सुनो बरसाना वारी बरसाना वारी जानते हैं ना बरसाना मैंने राधा रानी के मैहर तब कह रहे हैं कि हे बरसाना वारी तुम लोग हमारे खिलाफ ओरहन का बहाना लेकर के जा रही हो तो सुन लो तुम्हारे ओरहन से हम बुरा नहीं मानेंगे क्यों तुमको अधिकार है किस नाते कहले नारायण प्रभु जी सुनो बरसाना वारी कहले नारायण प्रभु जी सुनो बरसाना वारी बाटे अधिकार नेह निधि तुम का अधिकार बाटे अधिकार नेह निधि नाते ससुराल के हाँ बाटे अधिकार नेह निधि बाटे ससुराल के चलो सखी देख आई बाटे अधिकार नेह निधि नाते ससुराल के चलो सखी देख आई बाटे अधिकार नेह निधि नाते ससुराल के चलो सखी देख आई यशोदा के लाल के सखी देख आई यशोदा के लाल के चलो सखी देख आई। मतलब यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें धन्यवाद। कि श्याम सुंदर के ही दर्शनार्थ वो जगती हैं उन्हीं के लिए दूध दही माखन सजोती हैं उन्हीं के लिए गाय पोसती हैं और यात्रा भी करती हैं दूध दही बेचने के लिए तो उन्हीं के दर्शन के लिए। गोपियों की वाणी में श्याम सुंदर हैं गोपियों के श्रवणों में उनका नाम है गोपियों के मन में श्याम सुंदर हैं गोपियों के श्वास श्वास में श्याम सुंदर हैं गोपियों के प्राण में गोपियों की आत्मा में बसे हुए हैं यही भक्ति का स्वरूप है। और नारद बाबा कहते हैं कि ऐसी भक्ति वाले जो कोई होंगे उनको न तो भूत प्रेत न कोई पिशाच न कोई राक्षस
छू नहीं सकता है। और भगवान की प्राप्ति होगी इसके लिए प्रमाण, बोले प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपिकाएं प्रमाण है। गोपिकाएं कहां गई थी 28,000 वर्ष तपस्या करने के लिए? गोपिकाओं ने कब चारों वेदों का अध्ययन किया? गोपिकाओं ने कितने हजार मन गाय का घी और तिल और गुड़ हवन किया यज्ञ कुंड में? ये मतलब नहीं है कि योग यज्ञ बेकार है, नहीं, वो भी अपनी जगह पर महत्व है, पुण्य का संचय कराता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो भगवान की भक्ति के द्वारा होती है। ये नारद बाबा बोल रहे हैं, आप किसके सामने बोल रहे हैं? बोले भक्ति महारानी के सामने बोल रहे हैं। ये आपकी कृपा है, आपकी इतनी महिमा है कि आपके सहारे जी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अब ये है कि ये भक्ति एक जन्म में नहीं मिलती है, जन्मांतरे नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तों प्रीति रह जायते। ऐसी भक्ति के प्रति प्रीति तो अनेकों हजारों जन्मों के बाद उत्पन्न होती है, और जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, भक्ति द्रोह करा ये चते सिदंत जगत रहे, ये तीनों लोकों में, भूतल में हो, स्वर्ग में हो, पाताल में हो, ये भक्ति से द्रोह करने वाले हैं, वो दुख ही पाएंगे, वो कष्ट ही पाएंगे। इसके लिए कोई उदाहरण है भक्ति से द्रोह करने वाले को कष्ट मिला हो? बोले दुर्वासा दुख मापन्न, दुर्वासा दुख मापन्न पूरा भक्त विनिंदक, भक्त की निंदा करने के कारण भक्ति से द्रोह करने वाले को कष्ट उठाना पड़ता है। कैसे? जैसे दुर्वासा जी को कष्ट उठाना पड़ा। पहले तो बिना गलती के अम्बरीश भक्त का प्राण लेने के लिए कालकृत्या उत्पन्न कर दी, और जब भगवान ने कालकृत्या को समाप्त किया कि तू मेरे भक्त को जलाने चली है, मैं तुम्ही को जलाऊंगा, कालकृत्या समाप्त हुई, उसके बाद सुदर्शन चक्र चले दुर्वासा की ओर। दुर्वासा जी का परिचय मालूम है ना? शंकर जी के अंशावतार हैं, अत्रि ऋषि के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, अनसुईया माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, त्यागी इतने बड़े कि बलकल की लंगोटी छोड़ के कुछ रखते नहीं हैं, तपस्वी इतने बड़े कि केवल दूब खा करके रहते हैं, इसीलिए इनका नाम ही है दुर्वासा, दुर्वाही जिनका आसन हो। योगी इतने बड़े कि योग बल से वैकुंठ तक जा सकते हैं, गए, लेकिन वैकुंठ में जाने पर भी भगवान ने मुंह फेर लिया, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूं। क्यों? तुम मेरे भक्त का प्राण लेने पर उतारू हो गए थे, अम्बरीश भक्त का, अम्बरीश भक्त ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बिना गलती के भक्त का प्राण लेने पर उतारू हो गए, भक्ति से द्रोह किया तुमने। ऋषि, तुम्हारा ऋषित्व अपनी जगह पर है, लेकिन भक्ति से द्रोह करने वाले को मैं कभी भी प्रश्रय नहीं दे सकता, इसलिए दुर्वासा दुख मापन्न पूरा भक्त विनिंद का। अंत में दुर्वासा जी को पूछना पड़ा कि प्रभु तो अब मेरा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान बोले कि ब्रह्मण स्तगत भद्रम ते नाभाग तनयम नृपम, जिसका प्राण लेने के लिए तुमने काल कृत्या प्रकट की थी, उसी अम्बरीश भक्त के चरणों में जाके गिरो, माफी मांगो, तब तुमको क्षमा मिलेगी। अंत में दुर्वासा जी को आना पड़ा अम्बरीश के चरणों में, राजन बचाओ, भक्तराज मुझे बचाओ। अम्बरीश जी पीछे हट गए, नहीं नहीं भगवान, मैं तो गृहस्थी में रहने वाला एक प्रपंची जंजाली जीव हूं, आप जैसे ऋषि अवतारी पुरुष मेरे चरण क्यों पकड़ोगे? मैं आपके चरणों में मत्था रखता हूं। सुदर्शन को शांत किया है, सुदर्शन जी यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा भगवान की भक्ति निष्काम भाव से की है तो कृपा करके इनको आप क्षमा कर दीजिए। यदि मेरे पूर्वजों ने गौ से, साधु से, ब्राह्मण से, भक्त से कभी द्वेष नहीं किया हो तो हे सुदर्शन जी आप इनको क्षमा कर दीजिए, तब जान बची। मतलब कि किसी भक्त से आप लाख साधना करते हैं, लेकिन किसी भक्त से मत टकराना, नहीं तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे।
भक्ति द्रोह करा ये चरित्र सीदंत जगत रे दुर्वासा दुख मापन्ना पूरा भक्त विनंद कह अलम व्रतई रलम तीर्थई रलम तजोगई रलम मखई अलम ज्ञान कथा लापे भक्ति रे कही वो मुक्ति दा। व्रत की ओर, तीर्थ की ओर, योग साधना की ओर, ज्ञानालाप की ओर भटकने की, मन को ललचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति रे कई मुक्तिदार, एक भक्ति ही आपको भवबंधन से छुड़ाने में पूरी तरह समर्थ है। आप भक्ति करो तो मुक्ति अपने आप तुम्हारे चरणों में आके लौटेगी। आप कहोगे री मुक्ति जा, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए, तो मुक्ति कहती कहेगी कि हमें स्वीकार करो। श्री हरे नमः। इति नारद निर्णीतम। अब आगे श्री सुत जी समझा रहे हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र में व्यास गद्दी पर बैठे हुए सुत जी समझा रहे हैं शौनकादिक 88,000 ऋषियों को। इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत। नारद जी के द्वारा जो भक्ति का जो प्रतिपादन हुआ, भक्ति की महिमा का जो गायन हुआ, इससे भक्ति महारानी में जो भी थोड़ी सी कमजोरी रही होगी वो दूर हो गई, बड़ी हृष्टपुष्ट सी लगने लग गई। सर्वांग पुष्टि संयुक्ता, सर्वांग संपुष्टि से संयुक्त हो गई। और नारदम वाक्यम अब्रवीत, नारद जी से ऐसा वचन कहने लग गई। अहो नारद धन्योसि प्रीतिस्ते मई निश्चला, इसलिए न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। हे नारद जी, आपकी मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा है, मेरे प्रति आपकी बड़ी प्रीति है, इसलिए मैं वचन देती हूँ कि आपके अंतःकरण को, आपके हृदय को छोड़कर मैं कभी भी अलग नहीं होऊंगी, आपके हृदय में मैं सदा निवास करूंगी। कृपालुना त्वया साधो मदबाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। हे नारद जी, मुझे तो खूब पुष्टि मिली, मेरा तो आपने इलाज कर दिया समझा करके, अपने वचनों का पोषण दे करके, तो मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, आपकी आभारी हूँ। अब पुत्रयोश्चेतना नास्ति, मेरे दोनों तरफ जो पड़े हैं बूढ़े मूर्छित जर्जर, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनको चेतना नहीं है, मैंने होश नहीं है, ये बेहोशी में है, इसलिए ततो बोधय बोधय, इनको जरा होश में लाइए, इनको जरा सचेत करिए, सावधान करिए। तब श्री सूत जी कहते हैं कि YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।